Assalamualaikum audience, I hope you are doing well. My name is Shabbir Hasnain and this is my YouTube channel. I am here to share my knowledge and help you in learning new things. So let's start it with the topic of today's discussion, which is Introduction to Human Anatomy. So aaj hum padhenge ki basically anatomy hoti kya hai, anatomy ki zuban se nikla hai, iska matlab kya hai. उसके बाद हम सेकंड पे पढ़ेंगे कि एनाटॉमी की ब्रांचेस कौन सी हैं और किस ब्रांच में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं. थर्ड पे हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुछ ख़ास टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स हैं, इसीलिए एनाटॉमी को समझने और पढ़ने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन क्या है. एनाटॉमी ग्रीक वर्ड से निकला है, एना एना मीनिंग अप एंड टोमोस मीन कटिंग. जब भी हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी बॉडी को कट करके उसको स्टडी करते हैं, इंटरनली उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं. तो बेसिकली एनाटॉमी होती क्या है, जब भी हम किसी जानवर या किसी भी इंसान की बॉडी को कट करके उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको एनाटॉमी कहते हैं. इसी तरह सेम ह्यूमन एनाटॉमी है मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंसान के जिस्म के स्ट्रक्चर के बारे में या ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं. उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की कितनी ब्रांचेस हैं और कौन सी ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं. तो एनाटॉमी की 8 ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास साइटोलॉजी. साइटोलॉजी में बेसिकली हम सेल के ऊपर स्टडी करते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में. सेकंड हमारे पास है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू लेवल पे जाके स्टडी करेंगे, सेल के बाद टिश्यू लेवल पे जाके जो स्टडी करेंगे वो हम हिस्टोलॉजी में करेंगे. थर्ड हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं वो एम्ब्रियो लेवल पे करते हैं कि एम्ब्रियो बनता कैसे है और एम्ब्रियो बनने से बच्चा बनने तक जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. जैसे कि इसके नाम से है तो ओरिजिनल एनाटॉमी में हम बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट या ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे. फिफ्थ हमारे पास है सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या है, इसके अंदर हम बॉडी के किसी भी एक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा GIT सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी है, यूराइनरी है, इस पर हम स्टडी करेंगे, ये हम सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर करेंगे. सिक्स है हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी में हम ऐसे बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई बॉडी का ऑर्गन है, स्टमिक है, मसल है, बोन है, जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी में स्टडी करेंगे. सेवंथ है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी. लास्ट वन जो हमारी है वो है अप्लाइड एनाटॉमी. तो सबसे पहले हम एनाटॉमी की फर्स्ट जो ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि होती क्या है. ग्रॉस एनाटॉमी बेसिकली एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के किसी भी ऐसे ऑर्गन को या बॉडी पार्ट को स्टडी करते हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, ये आता है ग्रॉस एनाटॉमी में. फॉर एग्जांपल जैसे कि मसल्स हैं, हमारी बोन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, अब डाइजेस्टिव ऑर्गन में जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ये वो ऑर्गन है जिनको हम आम आँख से स्टडी कर सकते हैं, तो ये हमारा ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा. इसके बाद हमारी है साइटोलॉजी, ये एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सेल लेवल पे स्टडी करते हैं कि सेल क्या होगा, सेल के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं. अब जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा जिनमें राइबोसोम्स आ जाएंगे, इसी तरह बाकी जो भी ऑर्गेनेलीज हैं वो हम साइटोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे. थर्ड पे हमारी आती है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में बेसिकली हम टिश्यू लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गन या बॉडी पार्ट को टिश्यू लेवल पे जाके स्टडी करेंगे उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे. कुछ हमारे पास डायग्राम्स हैं जिनमें बॉडी से टिश्यूज़ लिए गए हैं और उनको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया है. साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी दोनों माइक्रोस्कोपिकली होंगी, जिस तरह ये हमारे पास डायग्राम्स मौजूद हैं इनको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, टिश्यू लेवल पर स्टडी किया है. फोर्थ पे हमारे पास आता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बनने से कि एम्ब्रियो बनता कैसे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो के बनने से कंप्लीट फीटस तक जो चेंजेस आती हैं उनके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे. ना सिर्फ ये पढ़ेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे
कि एम्ब्रियो से जो बच्चा बनेगा इस दौरान कोई डिफॉर्मिटी आती है या डिफेक्ट आता है तो हमें इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प देगा। जिस तरह की ये हमारे पास एक डायग्राम्स है जिसमें दिखाया गया है कि जो फीटस है हमारा 4th वीक से जाके एक मुकम्मल बेबी बन रहा है, अगर कोई डिफॉर्मिटी आती है या डिफेक्ट आता है तो वो भी हमें एम्ब्रियो की स्टडी के दौरान पता चल सकता है। उसके बाद हमारे पास है रीजनल अनाटमी। ये अनाटमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में या स्पेसिफिक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास अपर लिम्ब है, अगर हम अपर लिम्ब के बारे में स्पेसिफिक पार्ट सिर्फ अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी ये रीजनल अनाटमी होगी। अगर लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी हमारी रीजनल अनाटमी होगी। अगर थोरैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी रीजनल होगी। एब्डोमिन है, पेल्विस है, हेड या नेक, तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में है तो ये हमारी रीजनल अनाटमी में आ जाएगी। अब रीजनल के बाद हमारी आ जाती है सिस्टेमिक अनाटमी। इसमें हम बॉडी के एक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा GIT सिस्टम भी आ सकता है, जिस तरह ये हमें डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि बेसिकली हमारा ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, फिर एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस पे जाके एंड होगा। ये है हमारा GIT सिस्टम। ये हम जो स्टडी करते हैं वो सिस्टेमिक एनाटॉमी में करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल इसकी नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारा ब्रेन से स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के हर हिस्से तक वो है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो भी सिस्टेमिक एनाटॉमी में आ जाएगा। थर्ड जो है हमारा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है, जो कि हमारा नेजल पैसेज से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फेरिंग्स लेवल पे आएगा, और फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ये लंग्स में जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोज, और लास्ट में ये एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाएगा। फोर्थ पे हमारा यूराइनरी सिस्टम है, वो भी हम सिस्टेमिक एनाटॉमी में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारी किडनीज आ जाएंगी, किडनी से यूरिटर, यूरिटर से यूराइनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन बाहर निकलने तक। उसके बाद हमारे पास 7th पे है क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में हम बेसिकली बॉडी को कट करते हैं, और उस कटेड पार्ट को जब हम स्टडी करते हैं 2D, तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे है, 8th पे है अप्लाइड एनाटॉमी। ये एनाटॉमी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोई भी डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और उससे उसकी डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस करने के बाद हम उस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। इस सब को हम अप्लाइड एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।